मध्य वर्ग के परिवार में जन्मे श्री शांतनु प्रकाश आज पूरे भारत में स्कूलों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने वाली अग्रणी कंपनी एजुकॉम के सर्वेसर्वा हैं। 1988 में IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विगत 20 वर्षों में उन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से BCom करने वाले शांतनु ने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि उद्यमिता ही उनके जीवन की पुकार है। उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, फिर स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की कंपनी बनाई जिसने आज की एजुकॉम का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने 1988 में श्रीराम कॉलेज से BCom की थी तो वो मेरे सीनियर हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि आएँ और अपने विचार करें। थैंक यू। जैसा कि रश्मि ने, संजीव ने, शिवरामन ने काफ़ी कुछ आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हुआ है। पहली बात तो जो सर्विसेज हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं आज के डेट। अगर आप 10 साल पहले देखें तो जिस तरह का बिजनेस संजीव चलाते हैं, वो इस स्केल में, इस रीच में 10 साल पहले ये बिज़नेस ही नहीं था। जो बिज़नेस शिवरामन जी चलाते हैं, ये बिज़नेस ही नहीं था। तो भारत में जो नई जनरेशन या नई जो पीढ़ी है एंटरप्रेन्योर्स की, एक तो बात ये है कि वो नए क्षेत्रों में आ रहे हैं, और नए क्षेत्रों में जब आ रहे हैं तो नई सोच लेके आ रहे हैं, नई एनर्जी लेके आ रहे हैं, नई टेक्निक्स लेके आ रहे हैं। तो भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन एज एन इकोनॉमी होना है, काफ़ी हद तक नए एंटरप्रेन्योर्स के जोश से, उनकी एनर्जी के साथ होना है। और जिस पेस से, जिस तेज़ी और जिस रफ्तार से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे ख्याल से इस देश को जितने आज एंटरप्रेन्योर्स हैं उससे 10 गुना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग हो, एजुकेशन के लाइन में, मेरी कंपनी एजुकेशन की लाइन में काम करती है, इंटरनेट में, या और भी कई तरह की सर्विसेज जो नई आप मार्केट में आ रही है, उसमें आप ये देखेंगे कि जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, वो पुरानी बिजनेस फैमिलीज नहीं है। और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ये सच है, ये ट्रूथ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इसमें थोड़ा अंदर इसके जाके अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जब आप एक नई चीज़ शुरू करते हैं, एक फ्रेश थिंकिंग के साथ, एक क्लीन स्लेट के साथ, तो आपके पास कोई पुराना बैगेज नहीं होता। जब आपके पास कोई पुराना बैगेज नहीं होता और साथ में ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, तभी एक इनोवेशन और इन्वेंटिवनेस का जन्म होता है। तो आपने अब देखा होगा जैसे एयरलाइंस में डेकन एयरलाइंस है, उन्होंने एक नया एक दौर शुरू किया एयरलाइंस के बिजनेस में। रेडियो के बिजनेस में अगर FM में देखें तो जितनी कंपनीज आई हैं सारी नई कंपनीज, ऐसी कोई कंपनीज पहले नहीं थी। अगर आप टेलीविजन प्रोग्रामिंग में देखें, अगर आप इंटरनेट के क्षेत्र में देखें, कितने सारे एंटरप्रेन्योर क्षेत्र में आ चुके हैं। तो जहाँ तक जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बिरला, स्टार्टर, रिलायंस एक्सेट्रा, उनकी डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में जगह है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में, 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन जो इंडिया में होगा, वो नए एंटरप्रेन्योर्स के, नए एंटरप्राइजेज और नए उद्यम के साथ होगा। तो शिवरामन जी ने सही कहा कि इसके लिए आपको पूंजी की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल की ज़रूरत है। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल किसी इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, वो हर इंसान के पास इक्वल क्वांटिटी में, उसको चाहिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म। और मेरे ख्याल से स्टे हंग्री स्टे फुलिश एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है। कई लोग ईमेल लिखते हैं कि उनको एक जीवन में नई इंस्पिरेशन मिली किताब पढ़ के, लोगों ने नौकरी छोड़ दी, लोगों ने अपने जीवन का एक जिस पाथ पे जा रहे थे वो पाथ बिल्कुल बदल दिया। तो मेरे ख्याल से अगर कल एक भारत में हिस्ट्री लिखी जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो डेफिनेटली उसमें रश्मि का और इस किताब का जरूर एक बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे अगर कोई भावी
ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अब हम ये नौकरी छोड़ें, जो भी नौकरी आप कर रहे हो और हम एक बिजनेस शुरू करें, तो आज की डेट में 2009 में सितंबर में ये सबसे अच्छा महीना है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि आप इसको बिल्कुल आज ही शुरू कर दें, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं। कई लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत रिस्की चीज़ है, हम फेल हो जाएंगे क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर ना बनना बहुत रिस्की चीज़ है। अगर आप रियली अगर आप सोचें तो आपको क्या जॉब में कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी आज की डेट में है या नहीं है? कितने लोग सोचते हैं कि जॉब है तो बिल्कुल सिक्योर जॉब है, हो सकता है गवर्नमेंट का जॉब बहुत सिक्योर हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो जॉब ही नहीं है आज के डेट, है कि नहीं? तो अगर आपको रियली भी सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में की ओर जाना चाहिए। अगर आप मेरा इसमें जो चैप्टर है वो पढ़े हैं तो उसमें मैंने यही कहा है कि अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि लोग समझते हैं बहुत रिस्की है, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा है, ना कि कोई पर्टिकुलर जॉब करके। डेफिनेटली जो लोग जॉब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, बट मैं कई लोगों से मिलता हूँ हर हफ्ते जो कि जिनका जो पोटेंशियल है वो उनके जो अभी फ़िलहाल वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पा, और कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम बस, हमारे पास ये बिज़नेस आइडिया, हम बस अभी शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमें थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इंडियंस जो हैं वो पैदाइशी से एंटरप्रेन्योरियल है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे कुछ भी करना चाहें, आपको बिजली का कनेक्शन लेना हो, आपको कोई घर खरीदना हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं या एंटरप्रेन्योरली सोचते नहीं हैं तो आप वो कर ही नहीं सकते। तो हम ऑलरेडी वी आर बॉर्न एज एंटरप्रेन्योर्स, अब सिर्फ हमें उस डायरेक्शन में जाना है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी मेंटरिंग या थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है। आई थिंक कुछ हद तक इस किताब से प्रेरणा मिलेगी और मेरे ख्याल से भारत का जो भविष्य है वो डेफिनेटली अगले जनरेशन में जो लाखों एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में आने वाले हैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मैं यही होप करता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिले और बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आए इस देश में। उपस्थित अभ्यागत हो, आज के इस आयोजन का सार तत्व यह है कि बिना उद्यम के कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन में संतोष आवश्यक है, पर एक सफल उद्यमी थोड़ी सफलता से ही यदि संतोष कर ले तो वह उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जहां आज हमारे ये मंचस्थ उद्यमी पहुंचे हैं और स्टे हंग्री स्टे फुलिश के बाकी उद्यमी भी। यह पुस्तक तो भारत के उद्यमियों के महासागर में एक बूंद के समान है जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एक समर्थ भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने में लगे। इस उद्यमशीलता को हमारा प्रणाम।